Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in the previous video, we have discussed the basic philosophical tenets of Marxism. And in this video, we are going to discuss the educational implications of Marxism. Means, पिछले वीडियो में, पिछले डिस्कशन में हमने आपसे बात की कि मार्क्सवाद के क्या दार्शनिक सिद्धांत हैं, और इस बार हम बात करने जा रहे हैं कि मार्क्सवाद ने फिलोसफी के रूप में, दर्शन के रूप में शिक्षा को क्या दिया है, या मार्क्सवाद का कितना प्रभुत्व शिक्षा जगत में आया। तो शुरू करते हैं अपनी बातचीत कि मार्क्सिज्म डेवलप्ड एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द आइडियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ मैन एंड द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय हीगल। हमने आपसे बात की थी कि जो मार्क्सिज्म का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट है, वो उन्होंने हीगल के डायलेक्टिकल आइडियलिज्म को रिवर्ट करके लिया। मतलब हीगल साहब जो ये बात कर रहे थे कि आइडिया सब कुछ है और सारा कुछ आइडिया का रिफ्लेक्शन होता है, इन्होंने कहा कि जो कि आइडियलिस्टिक कंसेप्शन बना दिया गया था कि मनुष्य के लिए आदर्श और ये सारी चीजें जो सेट कर दी गई थी, उसके विरोध में मार्क्स अपनी फिलोसफी लेके आए। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन भी मटेरियलिज्म के टर्म्स में किया है, इससे मार्क्स कहते हैं कि जो इतिहास है वो भौतिक अस्तित्व का उत्पाद है। मतलब भौतिक अस्तित्व से ही सारा कुछ इतिहास और इतिहास बदलता रहा है। जबकि हीगल क्या कहते थे कि हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। जबकि हीगल साहब कहते थे कि जो इतिहास है वो आध्यात्मिक अस्तित्व का उत्पाद है। तो इस तरह से ये, इस तरह से हीगल के बिल्कुल ऑपोजिशन में आए थे। एजुकेशन मस्ट सर्व थ्री मेन पर्पस। तो मार्क्सवाद के हिसाब से शिक्षा को तीन मुख्य उद्देश्य हैं जो पूरे करने चाहिए। कौन कौन से? द रिप्रोडक्शन ऑफ क्लास इनइक्वालिटी। देखिए, सारी बातें मार्क्स ने किसकी की हैं? क्लास स्ट्रगल की। वो कह रहे हैं वर्ग में संघर्ष है, दिक्कत है, विद्रोह है, तो वो कह रहे हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रिप्रोडक्शन ऑफ क्लास इनइक्वालिटी, इट्स लेजिटिमाइजेशन एंड द क्रिएशन ऑफ ए कंप्लायंट कैपिटलिस्ट वर्क फोर्स। वो कह रहे हैं कि शिक्षा ऐसी हो जो कि समाज में जो इनइक्वालिटी है उसको उसका इनइक्वालिटी को खत्म किया जा सके और एक हम बढ़िया समाज की स्थापना कर सके। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ एजुकेशन इज स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिस्टिक स्टेट एंड द बिल्डिंग ऑफ ए क्लासलेस सोसाइटी। तो अल्टीमेट उद्देश्य शिक्षा का क्या होना चाहिए? कि हम एक साम्यवाद राज्य की स्थापना कर सके, मतलब जहां सभी एक दूसरे के समान है, कोई बड़ा छोटा ना हो, एंड द बिल्डिंग ऑफ ए क्लासलेस सोसाइटी, और एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जहां कोई क्लास ना हो, मतलब ऊपर नीचे ना हो कोई क्लास में, कोई कमतर कोई बड़ा। क्योंकि वो कह रहे हैं क्या कि जैसे ही कोई बड़ा होता है, मतलब प्रॉपर्टी ओनिंग होती है, जिसके पास प्रॉपर्टी का स्वामित्व होता है, वो जो प्रॉपर्टी लेस होता है उसका शोषण करना शुरू कर देता है। इसीलिए उनका शिक्षा का निर्माण, शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि हम वर्ग रहित समाज की स्थापना कर सकें। और तो उस हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए? ये कह रहे हैं कि मार्क्सिस्ट एजुकेशन विल ले स्ट्रेस ऑन इंडॉक्ट्रिनेशन ऑफ आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। इन मार्क्सिस्ट स्टेट एजुकेशन एम्स एट क्रिएटिंग मार्क्सिस्ट एटीट्यूड एंड वैल्यूज। वो कह रहे हैं जो मार्क्सवाद के नियम हैं, जो मार्क्सवाद की अभिवृत्ति है, उसका इनकल्केशन शिक्षा को करना है, यानी शिक्षा को मार्क्सिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ाना है। द स्टेट इज टू बी स्ट्रेंथेंड थ्रू द क्रिएशन ऑफ ए क्लासलेस सोसाइटी। वो कह रहे हैं कि राज्य कैसे सुदृढ़ बनेगा, उसकी शक्ति कैसे बढ़ेगी, जब हम एक वर्ग रहित समाज की स्थापना कर पाएंगे। और तो उन्होंने क्या कहा, लेट स्ट्रेस ऑन प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। वो कह रहे हैं देखिए, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो ज्यादा नियम कानून जान जाएगा, तो कम पढ़े लिखे वर्ग को परेशान कर सकता है, शोषण कर सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं सबको शिक्षा दीजिए, ताकि समाज के सभी वर्ग को शिक्षा मिलेगी, वो शिक्षित होंगे, तो कहीं पे भी कोई इस तरीके का क्लास स्ट्रगल वाली बात नहीं आएगी। फिर इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, दी मार्क्सिस्ट एजुकेशनल गोल। मार्क्सवादियों का शैक्षिक उद्देश्य क्या है, शैक्षिक लक्ष्य क्या है, कि हम सभी को शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान कर सकें। मार्क्सिस्ट एजुकेशन एम्स एट मैक्सिमम गुड टू द मैक्सिमम नंबर। इनका उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का अच्छाई अगर कर सकें, शिक्षा का ये उद्देश्य होना चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकें। सोशल एडवांसमेंट इज टू बी इंश्योर थ्रू एजुकेशन, यानी शिक्षा के द्वारा क्या करना है, हमको उसकी सामाजिक रूप से उत्थान करना है। एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। देखिए, इसीलिए टीचर को जो है वो सोशल चेंज का एजेंट माना जाता है, क्योंकि शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन होना ही है, उसका सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। इन मार्क्सिज्म इम्फेसिस इज लेड ऑन वोकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। इसीलिए जो मार्क्सिस्ट हैं वो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर भी बल देते हैं। हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स शुड बी टॉट इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। पूरा इनका हिस्ट्री का ही है, सोशल चेंज, रिवोल्यूशन और इकोनॉमिक्स, इसलिए क्योंकि सब कुछ मटेरियल आस्पेक्ट को इन्होंने सबसे ज्यादा इम्फेसिस किया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इतिहास और इकोनॉमिक्स को जरूर पढ़ाइए अच्छे से।
फिर दी स्टूडेंट्स मस्ट लर्न दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस. लेकिन उन्होंने साइंस को दरकिनार नहीं किया, साइंस को मना नहीं किया, उन्होंने कहा विद्यार्थियों को विज्ञान भी जरूर सीखना चाहिए, विज्ञान के सिद्धांत. और क्या कहा इन्होंने, क्योंकि लेबर की इतनी बात है, वो कह रहे हैं ना कि लेबर भी क्या है, कॉमोडिटी है, तो वो कह रहे हैं कि लेबर एंड वर्क जो है वो इंटीग्रल पार्ट है शिक्षा का. इसीलिए फिजिकल एजुकेशन को बहुत महत्व दिया है कि शारीरिक रूप से बच्चा जब समर्थ होगा तभी वो किसी प्रकार का लेबर वर्क, जिसको वर्क एक्सपीरियंस कहते हैं ना, वर्क एक्सपीरियंस का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि बच्चे को काम के थ्रू सिखाना, लर्निंग बाई डूइंग का कंसेप्ट यहाँ पे है. इट ऑल्सो एम्स एट कल्चरल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट, ये बच्चे के सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक विकास की भी बात करते हैं. एंड इंडॉक्ट्रिनेशन इन कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट वैल्यूज, और क्या चाहते हैं बच्चे में, किस तरीके के मूल्य हम इंकल्केट करें, उसके अंदर साम्यवाद और समाजवाद के नियमों का इंडॉक्ट्रिनेशन कराया जाए शिक्षा के द्वारा. और मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, एजुकेशन एम्स एट क्रिएटिंग क्रिएटिव प्रोडक्टिव एंड फेथफुल सिटीजनशिप, यानी बच्चों को हमें किस तरीके के नागरिक बनाना है, उनको रचनात्मक बनाना है, उत्पादक बनाना है, और वो अपने राज्य के प्रति फेथफुल हो, इस तरीके की सिटीजनशिप प्रोवाइड करनी है. बोथ लेबर इज द बेसिस एंड सोर्स ऑफ ऑल कल्चरल एडवांसमेंट, वो कह रहे हैं कि जितनी भी आपकी साहित्यिक उन्नति होगी उसका स्रोत, उसका आधार परिश्रम या श्रम ही है. तो एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स टू ग्रेट एक्सटेंट ऑन द एजुकेशन ऑफ द मदर, वो कह रहे हैं चूंकि बालक की शिक्षा बहुत हद तक उसकी माँ की शिक्षा पर निर्भर करती है, इसलिए ये विमेन्स एजुकेशन पर भी बल देते हैं. तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो बहुत एक बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत बढ़िया लिटरेचर है, बहुत आप कह सकते हैं बाइबिल है मार्क्सिज्म का, वो कहता है, वो किस पे बल देता है, कहता है डिक्लेयर्स फ्री यूनिवर्सल एंड एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल, यानी मुक्त सार्वजनिक और हम एलिमेंट्री प्राथमिक शिक्षा सबको दे सकें, ये उद्देश्य होना चाहिए. ठीक है, करिकुलम कैसा होना चाहिए, द स्टूडेंट शुड बी मेड कॉन्शियस अबाउट क्लास डिविजन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास बाय द कैपिटलिस्ट क्लास एटसेट्रा, यानी बालक को आप ये पढ़ाइए कि उसको पता हो कि वर्गों के बीच में डिवीजन कैसे होता है, कैसे जो है समाज में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का हुआ, धन का असमान वितरण कैसे हुआ या कैसे होता है, कैसे जो वर्किंग क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो एक्सप्लॉयट करती है जो वर्कर होता है उसको, इन सबको पढ़ाइए बच्चे को, ये उसके करिकुलम में होना चाहिए. और दो सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन द करिकुलम व्हिच टेंड टू डेवलप स्किल इंस्टेड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, वो कह रहे हैं अमूर्त ज्ञान के बजाय जो बच्चों में कौशल डेवलप कर सके ऐसा करिकुलम पढ़ाइए. लेट स्ट्रेस ऑन रेस्पेक्ट फॉर लेबर एंड एट सच वर्क एक्सपीरियंस इज रिगार्डेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, वो कह रहे हैं कि चूंकि परिश्रम का रेस्पेक्ट करे बच्चा, जो वर्क एक्सपीरियंस है, कार्य अनुभव शिक्षा का एक इंटीग्रल पार्ट हो, और करिकुलम में क्या क्या हो, सोशली यूजफुल सब्जेक्ट्स हो, जैसे विज्ञान हो, गणित हो, भूगोल हो, जीव विज्ञान हो, भू विज्ञान हो, एस्ट्रोनॉमी, सभी कुछ. क्रिएटिव वर्क एंड को करिकुलर एक्टिविटीज हैव बीन गिवन एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मार्क्सिस्ट करिकुलम, वो कह रहे हैं रचनात्मक कार्य और जितना भी आपका को करिकुलर होता है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, उनको भी बहुत महत्व दिया है. जैसे इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, फिजिकल एक्सरसाइज, म्यूजिक, पेंटिंग, गेम्स, स्पोर्ट्स, सब कुछ. क्यों, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि लेबर को इंपॉर्टेंस दिया है, लर्निंग बाई डूइंग को इंपॉर्टेंस दिया है, इसलिए ये सारा कुछ करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए. टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी हो, कैसे पढ़ाए शिक्षक, वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बल दीजिए इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, सिद्धांत पढ़ाने के बजाय प्रायोगिक पक्ष पढ़ाइए. मार्क्सिस्ट एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, देखिए आ गया, एजुकेशन शुड नॉट बी कन्फाइंड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द स्कूल, वो कह रहे हैं कि विद्यालय की चार दीवारी में, क्लास की चार दीवारी में मत पढ़ाइए बच्चे को, बाहर निकालिए. नेचुरल एनवायरमेंट एंड द कम्युनिटी एट लार्ज विल ऑल्सो सर्व एज ग्रेट बुक्स एंड टीचर्स, वो कह रहे हैं जो प्राकृतिक वातावरण है, जो समुदाय है, वो भी बहुत अच्छी पुस्तकों या शिक्षक की भूमिका निभा सकता है, मतलब वो भी आपको बहुत कुछ बता सकता है, पढ़ा सकता है, सिखा सकता है. मार्क्सिस्ट एजुकेशन एम्फेसाइजेस लर्निंग थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड, वो कह रहे हैं कि ये जो मार्क्सवादी हैं, इनकी शिक्षा जो है बल देती है कि विद्यार्थी अपने अनुभवों से सीख सके, व्यक्तिगत अनुभवों से. इट एम्फेसाइजेस ग्रुप एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटी के बजाय ग्रुप एक्टिविटी पे बल है. और ये क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव स्पिरिट आप बच्चे में जगाइए, जब कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं, मतलब वो उसे कॉम्पिटिशन ना करे बल्कि कोऑपरेशन में करे, यही आजकल की कोऑपरेटिव लर्निंग का भी कंसेप्ट है. कॉम्पिटिशन से डिस्ट्रक्टिव हो सकता है पर कोऑपरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है. और रोल ऑफ टीचर, टीचर कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू लेनिन अ बेस्ट मार्क्सिस्ट वर्कर कैन ओनली बी ए बेस्ट मार्क्सिस्ट टीचर, मतलब अगर मार्क्सवादियों के हिसाब से पढ़ाना है तो पहले आपको खुद एक मार्क्सवादी होना होगा, वो सोच आप में होनी चाहिए. बोथ इन थॉट एंड एक्शन ही मस्ट बी अ ट्रू मार्क्सिस्ट, यानी कि वो व्यक्ति, वो जो शिक्षक है मार्क्सवादी शिक्षा समुदाय में, शिक्षा के निकाय में, समीकरण में, शिक्षा के संस्थान में, वो मार्क्सवादी होना चाहिए पहले, अपने
कार्य में भी और अपने विचार में भी. ही शुड नॉट हैव ओनली मास्टरी ऑन द कंटेंट ऑफ एजुकेशन बट ऑल्सो हैव कॉन्शियसनेस अबाउट लाइफ सोशल एनवायरमेंट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. उसको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे मास्टरी नहीं होनी चाहिए बल्कि वो एक साम्यवादी विचारधारा का होना चाहिए. उसको सामाजिक वातावरण और जीवन के प्रति सचेत होना चाहिए. ही शुड पजेस साउंड हेल्थ रेस्पेक्ट फॉर कल्चरल हेरिटेज डीप प्रैक्टिकल सेंस सोशलिस्टिक बेंड ऑफ माइंड एंड ट्रू पेट्रियोटिज्म. वो सही मायनों में देशभक्त होना चाहिए. उसका जो बेंट ऑफ माइंड है वो सोशलिस्टिक होना चाहिए, समाजवादियों की तरह का होना चाहिए. उसके अंतर्गत प्रैक्टिकल चीजों को समझने की क्षमता होनी चाहिए और वो जो सांस्कृतिक विरासत है उसका सम्मान करने वाला होना चाहिए. उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए. ऐसा व्यक्ति मार्क्सिस्ट टीचर बन सकता है इनके हिसाब से. और कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या कंसेप्ट है, विद्यार्थी कैसा हो. द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वन एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिस्ट प्रोग्राम व्हिच हैज बीन मोस्ट सक्सेसफुल. कितना बात की गई है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, आप सबको समान दीजिए, सबको समान दीजिए. तो आप समझ सकते हैं कि ये विचारधारा मार्क्सवादियों से मिली है हमको. द अचीवमेंट्स ऑफ द कम्युनिस्ट इन मेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन अवेलेबल टू ऑल एट लिटिल और नो कॉस्ट टू द इंडिविजुअल हैव बीन द मोस्ट स्टार्टलिंग सिंस प्रायर टू द रिवॉल्यूशन. एजुकेशन इन दोज कंट्रीज वाज लिमिटेड टू द अपर सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस. वो कह रहे हैं वो देश जहाँ पे पहले शिक्षा सिर्फ अपर सोशियो इकोनॉमिक क्लास के बच्चों को दी जाती थी, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत होते थे, सिर्फ उनको दी जाती थी. वहां से ये कंसेप्ट आया कि आप सबको शिक्षा दीजिए. और इस रिवॉल्यूशन के बाद ये बहुत देशों में ऐसा पहुंचा भी और ऐसा होने लगा कि हम सबको शिक्षा देने की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि सब तक शिक्षा हम पहुंचाएं, है ना. तो ये रिवॉल्यूशन यहीं से आया है कि पहले क्या होता था, अपर सोशियो इकोनॉमिक क्लास के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, फिर सबको शिक्षा देने का कंसेप्ट. एंड ऑल सिटीजंस हैव द गारंटीड राइट टू, लाइट चली गई, बस दो मिनट का बचा है. All citizens have the guaranteed right to free universal compulsory primary and secondary education. वो कह रहे हैं कि सभी नागरिकों को ये अधिकार होना चाहिए, गारंटी हो उस अधिकार की कि उनको मुफ्त, आप कह सकते हैं कंपल्सरी का मतलब अनिवार्य रूप से, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, प्राथमिक और द्वितीयक माध्यमिक स्तर की शिक्षा दी जाए. तो दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ मार्क्सिज्म. तो आप समझ गए होंगे कि मार्क्सवादियों का कंसेप्ट क्या है, कि हमको क्लासलेस सोसाइटी बनानी है, हमको इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी यानी सबको शिक्षित करना है. और जो शिक्षक हो वो कैसा हो, वो साम्यवादी हो, समान विचारधारा का हो, वो खुद वैसी सोच रखता हो, तभी वो बच्चों में उस तरीके का कौशल इनकलकेट कर पाएगा, उस तरीके की विचारधारा को प्रसारित कर पाएगा. और जो कुछ भी सोशली यूजफुल है वो सब कुछ पढ़ाइए, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पे बल दीजिए, एक्सपीरियंस पे बल दीजिए, लर्निंग बाई डूइंग पे बल दीजिए. यही सब मार्क्सवादियों ने शिक्षा को दिया है. ओके, तो आई थिंक इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का जो कंसेप्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मार्क्सवादियों का है. ओके, सो इट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.